उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक इलाका है, इलाके का नाम है बनभुलपुरा। करीब 50,000 की आबादी है, 50,000 की। इसमें क्षेत्र में इंदिरा नगर और गफूर बस्ती का इलाका आता है। जो हल्द्वानी को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, वो इस गफूर बस्ती के बारे में जरूर जानते हैं, इंदिरा नगर के बारे में जरूर जानते हैं। करीब 29 एकड़ जमीन पर बसे इस इलाके पर रेलवे ने अपना दावा किया था। रेलवे का दावा यह कि यह जमीन उसकी है, यानी कि रेलवे की, जिस पर अतिक्रमण किया गया सालों साल। मामला हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने रेलवे के हक में फैसला सुनाते हुए एक हफ्ते के भीतर अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद दशकों से रह रहे लोग अब बेघर हो गए, उनके सर से छत हट जाएगी, लिहाजा प्रदर्शन होना वाजिब था। प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ, मगर इस प्रदर्शन के दौर में देखते ही देखते मुद्दा हिंदू मुसलमान हो गया। राजनीतिक दलों ने भी परहेज नहीं किया, अल्पसंख्यक से लेकर मुस्लिम शब्द तक इस्तेमाल होने लगे। लेकिन सवाल यह खड़ा हुआ कि क्या हल्द्वानी में भी शाहीन बाग जैसा विरोध हो रहा है? क्या शाहीन बाग जैसा, दिल्ली के शाहीन बाग जैसा? मसला अतिक्रमण का था तो फिर इस मुद्दे ने धार्मिक रंग कैसे ले लिया? कौन है वो लोग जो इस मुद्दे को धर्म के चश्मे से देख रहे हैं? और क्या वाकई में जो जिक्र किया जा रहा है कि धामी सरकार टारगेट कर रही है, तो क्या अतिक्रमण जायज है? इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन उत्तराखंड में जहां एक तरफ हल्द्वानी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, एक और इलाका है जहां पर घर उजड़ रहे हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ना कोई मौन व्रत रख रहा है, ना कोई धरना दे रहा है, ना कोई प्रदर्शन कर रहा है। हल्द्वानी को लेकर कोहराम मचा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ सब मौन है। कौन सी वो जगह है, क्यों आखिरकार मौन है सियासत उस मुद्दे पर, उस पर भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। हाई कोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी का बनभुलपुरा इलाका इन दिनों दूसरा शाहीन बाग बन गया है क्या? अपने सिर पर से छत छिन जाने का फरमान के बाद हजारों की संख्या में महिला या फिर बच्चे हर तरफ सड़क पर दिखाई देते हैं। इसमें बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की है। शाहीन बाग की तरह महिलाएं और बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों? हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा घर टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? 4,365 घर, 8 से लेकर 10 मस्जिद, 2 मंदिर, 2 सरकारी इंटर कॉलेज और करीब आधा दर्जन प्राइवेट स्कूल, इन्हें खाली कराने का आदेश जारी हुआ तो अब उत्तराखंड में इसको लेकर हिंदू मुसलमान हो रहा है। पूरे देश में इस मुद्दे ने अब धार्मिक रंग ले लिया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में हल्द्वानी में दूसरा शाहीन बाग बनने जा रहा है? आदेश उत्तराखंड हाई कोर्ट का है जिस पर अमल करने की तैयारी हो रही है। आदेश के कारण करीब 50,000 लोग बेघर हो जाएंगे। हाई कोर्ट के इस फरमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा चुकी है, जबकि इस मामले में राजनीति भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत धरना देते हैं तो यूपी में बैठे अखिलेश वाली समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से अपने नेताओं के डेलीगेशन को भेजने का फरमान जारी करती है। वहीं मायावती यानी कि बीएसपी सुप्रीमो ट्वीट करके इसे मुस्लिम एंगल दे देती हैं। हल्द्वानी के लोगों के लिए
उपवास पर बैठा हूँ, मौन उपवास पर बैठा हूँ और अपने घर पर बैठूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री एक गार्जियन के तौर पर, एक परिवार के बड़े के तौर पर लोगों को, आखिर हैं तो हमारे ही राज्य के नागरिक, उनके घर टूट जाएंगे इस ठंड में, कहाँ जाएंगे? गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, वृद्ध हैं, कहाँ जाएंगे? हमारे राज्य के मानवीय चेहरा दिखाई देना चाहिए। ये देवताओं की भूमि है, यदि इस देवताओं की भूमि में शासकों का चेहरा मानवीय नहीं होगा तो फिर लोगों का दिल बहुत टूट जाएगा। और इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और जब माल्या बात आएगी आगे तो फिर आगे देखेंगे, अभी हमको हम केवल प्रार्थना भर कर रहे हैं। दरअसल बनबुलपुरा के जमीन की लड़ाई कई सालों से कोर्ट में लड़ी जा रही थी। एक तरफ दावा ये किया जा रहा था कि करीब 29 एकड़ की ये जमीन नजूल की है, लेकिन रेलवे का कहना है ये जमीन उनकी है। नजूल भूमि पर अवैध कब्जा धारियों को फ्री होल्ड लीज अधिकार देने के लिए उत्तराखंड सरकार 2021 में नजूल नीति भी लाई थी, लेकिन इसका फायदा इस इलाके के लोगों को इसलिए नहीं मिला क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा था। अब सरकार खुद को कोर्ट के आदेश के आगे नतमस्तक बता रही है। सभी को माननीय न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारी संस्था है और हम सब लोग न्यायालय को मानते हैं, और सरकार के स्तर पर न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा वो हमको मानने। बनभूलपुरा इलाके में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक आबादी रहती है, उनका कहना है कि ये जमीन उनकी नहीं सरकारी है, लेकिन राज्य सरकार की ना कि रेलवे की। बेघर होने की कागार पर खड़े लोगों का कहना है उत्तराखंड सरकार ने नजूल नीति बनाई थी जिससे नजूल की जमीन को फ्री होल्ड किया जा सकता है, ऐसे में ये कॉलोनी वैध हो सकती है। हालांकि मामला कोर्ट में था इसलिए अब राज्य सरकार कुछ नहीं कर पा रही। खैर ये लड़ाई जमीन की लड़ाई थी, मगर अब राजनीतिक लड़ाई होते होते वोट की लड़ाई में तब्दील हुई, और अब देखते ही देखते धार्मिक लड़ाई का रंग इस पूरे विवाद ने ले लिया है। अमित चौधरी, इंडिया वॉइस, हल्द्वानी। तो हल्द्वानी शाइन भाग बन रहा है, ये आरोप क्यों लग रहे हैं? मसला तो अतिक्रमण का था, तो फिर इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल कहां से आ गया और क्यों आया? ये कौन सी सियासत हो रही है और ये कौन कर रहा है सियासत? सीधा रुख कर रहे हैं इस मुद्दे पर। हमारे साथ दो मेहमान चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, विपिन खन्ना साहब आम आदमी पार्टी के चेहरे, मधु भट्ट बीजेपी की ओर से, कुछ ही देर में कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। मधु जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं मैं, क्या सोचा इन परिवारों के बारे में आपने जो धरने पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जिनको उजाड़ने का आदेश जारी हो चुका है, क्या सोचा है आपकी सरकार ने? हमारी सरकार जो है लगातार जो बेघर है उनको घर देने का जो है हमने बीड़ा उठाया है। आपने देखा होगा हमने 2015 से जो हमने 20 लाख परिवारों को जो घर देने का एक मुहिम उठाई थी, बिल्कुल निश्चित रूप से पूरे देश भर में हमारी आवास नीति चल रही है। और क्योंकि देखिए ये जो मामला है, ये जो प्रकरण है, आपने 2022 में सबको पक्का मकान देने का ऐलान किया था, ये तो 50,000 परिवार उजड़ रहे हैं। हम लोग जो है बिल्कुल निश्चित रूप से जो बेघर लोग हैं उनको आवास नीति के तहत हम घर देने का जो हमने अभियान चलाया है वो, तो यानी मधु भट्ट जी आप मुझसे ये कह रही हैं, मैं एक मिनट, आपने ये कहा कि इनका जो घर उजाड़े जाएंगे वो आप उनको मकान देंगे, आई एम राइट? देखिए निश्चित रूप से जो गरीब है, बिल्कुल हमने कहा है हमारी सरकार जो है बेघरों को घर देगी, लेकिन देखिए ये मामला जो है, नहीं नहीं मैं समझा नहीं, मैं ये जिनको उजाड़ा जाएगा उनको आप मकान देंगे ना पक्का? देखिए जो ये मामला है ना, मैं इस मामले की बात कर रही हूँ, ये मामला जो है वो न्यायालय में चल रहा है, अभी तो न्यायालय का फैसला आएगा, जो न्यायालय का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन जहां तक मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी सरकार ने जो, क्योंकि देखिए जो बेघर है उनको घर देने के लिए हमारी सरकार ने एक मैडम इनके बारे में क्या सोचा है? आपका सरकार का कोई स्टैंड तो होगा ना, या तो सरकार पार्टी बन जाए कोर्ट में। आप पार्टी बनने के लिए तैयार नहीं है, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने कमजोर पैरवी की इस पूरे मुद्दे को लेकर, जिस वजह से ये हालात पैदा हुए।
देखिए जो ये मामला है, देखिए कांग्रेस के समय से, देखिए कांग्रेस के जो नेता थे, आप अगर आप कहें कि रेलवे बोर्ड की जो भूमि है और ये जो अतिक्रमण जो ये कहा जा रहा है, इस मामले में जो है वो विवाद जो है वो न्यायालय में चल रहा है। अब न्यायालय के ऊपर टीका टिप्पणी करना तो मुझे, मैडम न्यायालय के ऊपर कौन टिप्पणी कर रहा है, न्यायालय का आदेश सर माथे पर, और जो न्यायालय कहेगा वही होगा। मेरा सवाल ये है कि आपका क्या स्टैंड है इस मुद्दे पर? देखिए हम लोगों के, हम लोग बिल्कुल न्यायालय के निर्णय का अभी हम वेट कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी, हम निश्चित रूप से जो भी निर्णय आएगा उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो आपने पैरवी क्यों नहीं की कोर्ट में? देखिए ये मामला जो है, आपको बताना चाहती हूँ, जो कांग्रेस इस प्रकार का ये जो इसको एक मैं कहूंगी इसको राजनीतिक चश्मे से जो देख रही है, ये कांग्रेस के समय का ही ये मुद्दा है। कांग्रेस ने इतने गड्ढे खोद रखे हैं पूरे समाज को, एक मैं कहूंगी जो विघटन की जो इनकी जो राजनीति है वही राजनीति। मैंने आपसे पूछा आपने कोर्ट में पैरवी क्यों नहीं की, कांग्रेस ने जो किया मैं पूछ लूंगा। देखिए कोर्ट में मामला है ना, कोर्ट में मामला चल रहा है, आपने हाई कोर्ट में पैरवी क्यों नहीं की इस मामले को लेकर? देखिए हम, देखिए मामला चल रहा है ना, मामला तो हाई कोर्ट पे चल रहा है, और मैडम हाई कोर्ट का तो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जो मामला चल रहा है उसके बाद जब आएगा निर्णय तो उसके बाद उसकी उसको देखा जाए, उसको देखिए। अच्छा तो यानी आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोई कानून लेकर आएगी क्या सरकार? मैं कर सकती हूँ। देखिए मैडम मैंने ये कहा ही नहीं कि आप और मैं कुछ, कोर्ट का आदेश, कोर्ट के आदेश से बढ़कर कोई नहीं है, कोर्ट के आदेश से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कुछ तो रोड मैप तैयार किया होगा सरकार ने। जो भी मामले कोर्ट में चलते हैं हम उस पर नहीं बोल सकते, ना आप बोल सकते हैं ना मैं बोल सकती हूँ, आने दीजिए निर्णय, लेकिन उससे पहले से ही राजनीति करना ये उचित नहीं होगा। ओके क्योंकि लोगों को, राजेंद्र शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं विपिन जी आपके पास आऊँ। राजेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है आपको? शाह जी सुना आपने, मधु जी कह रही हैं कि ये कांग्रेस के खोदे हुए गड्ढे हैं जिसको भरने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, और आज ये लोग बेघर हो रहे हैं इसके जिम्मेदार असली आप लोग हैं। कितने गड्ढे इन्होंने भरे पूरा प्रदेश, ये कहना क्या वजह थी आप सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कर रहे हैं? 5 तारीख को डेट है, क्या आपका अटॉर्नी जनरल वहाँ खड़ा है? मतलब आप कर क्या रहे, सरकार क्या कर रही है? देखिए ये सीधा सीधा मैं ये कहूँ कि ये कहीं ना कहीं जो है भाजपा के लोग दिग्भ्रमित हैं, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। 4-5 हजार परिवार बेघर हो गए। शाह जी दिल पर हाथ रखिएगा और फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। जी अतिक्रमण करने वाला गुनेगार है, ठीक है, मैं मान गया आपकी बात, सबकी बात मान गया, और सब जानते हैं कानून भी यही कहता है। भला कोई मेरे घर पर भी कब्जा करेगा या मैं आपके घर पर कब्जा करूंगा तो आप भी कोर्ट में ही जाएंगे ना। तो रेलवे ने भी वही किया, कोर्ट ने रेलवे के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन मुझे एक उत्तर चाहिए। और कल भी मैंने ये बात कही, मेरा सवाल ले लीजिए शाह जी, अगर अतिक्रमण करने वाला गुनेगार है और करवाने वाला बेगुनाह कैसे हो सकता है? देखिए जितने भी अतिक्रमण हुए हैं, नहीं इस अतिक्रमण पर आइए ना, ये आप जानते हैं अतिक्रमण किसके आदेश पर हुआ है, किसने बिजली के कनेक्शन दिलवाए थे इस परिवारों को, और किसने जो है वहां पर ना सर लाइनें बिछी हुई हैं सीवरेज की, किसने कनेक्शन दिला दिए पानी के? ये 50 साल पुराना मामला है, 50 साल से वहां पर जो है 2 डिग्री 2 वहां पर जो है 12वीं तक के स्कूल है, 2 वहां पर पे प्राइमरी स्कूल है, 1 हाई स्कूल है, वहां सिविल लाइन बिछी हुई है, वहां से 6 से 8 मस्जिद हैं और 2 मंदिर हैं। सर आप मुझे भौगोलिक परिस्थिति बता रहे हैं राजेंद्र शाह जी, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बसाया किसने उनको? देखिए अब बसाया किसने, 50 साल से जो आदमी वहां रह रहा है तिलक जी, मेरा ये कहना है कि पहले रेलवे ने कहा 29 एकड़, तो जब रेलवे ने 29 एकड़ कहा तो भाजपा के मेरे मित्र जो हैं उनको थोड़ा सा जो है कम से कम संवेदनशील होना चाहिए, वो 29 एकड़ में अगर वहां कार्रवाई कर लेते तो ये अब 78 एकड़ का मामला नहीं आता ना, मसला अतिक्रमण का था ना। मुझे एक उत्तर चाहिए फिर मैं खन्ना जी आपके पास आ रहा हूँ, मुझे एक उत्तर चाहिए, मसला अतिक्रमण का था जी, ये इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? नहीं ये
मैंने तो नहीं कहा ये बात। आपने नहीं कहा, लेकिन जो 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 खास तौर पर समाजवादी पार्टी एक लेटर जारी होता है जिसमें कहा जाता है अल्पसंख्यक लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आज तो मायावती ने ट्वीट करते हुए कह दिया मुस्लिम परिवार, तो ये कौन सी सियासत हो रही है? ये क्या हो रहा है हल्द्वानी उत्तराखंड में? देवभूमि है हमारी ये। कौन क्या कह रहा है तिलक जी, सवाल ये नहीं है। सवाल क्यों? ये है कि 40 से 50 हजार लोग बेघर हो रहे हैं। शाह जी, ये फूलों का गुलदस्ता है रुद्रपुर उत्तराखंड, आपका उधम सिंह नगर फूलों का गुलदस्ता है ये। गुलदस्ता है आप उधम सिंह नगर, पूरा उत्तराखंड गुलदस्ता है। तो ये गुलदस्ते को आखिरकार कौन तहस नहस करना चाह रहा है? क्यों इसे शाहीन बाग से जोड़ दिया जाता है? तहस नहस करना चाहते हैं उन्हें छोड़िए, हम तो भाजपा से एक निवेदन करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से 2013 में देहरादून के अंदर मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाया गया, हाई कोर्ट में हार गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी जब नहीं माना तो एक राज्य सरकार जो है ये अध्यादेश लाई, तो और बजाय उनको मलिन बस्तियों से हटाने के विपिन खन्ना ये कह रहे हैं ये गुनेगार है, वो कह रहे हैं ये गुनेगार है, तो फिर गुनेगार असली है कौन? तिलक जी, असली गुनाहगार होता है जनप्रतिनिधि, असली गुनाहगार होती है सरकार। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस जगह रेलवे में अतिक्रमण हुआ वहां पर सीवर लाइनें हैं, वहां पर लोगों के वोटर कार्ड बने हुए हैं, वहां राशन कार्ड बने हुए हैं, आधार कार्ड बने हुए हैं, वहां पे बिजली पानी की सारी सुविधाएं जो सरकार देती है वो लोगों के पास है, वो सुविधाएं कहाँ से आई? तिलक जी आप बताओगे, जब इलेक्शन में हम पर्चा भरने जाते हैं तो निर्वाचन आयोग जो फॉर्म देता है उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई होती है कि यदि आपने किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है तो आप चुनाव लड़ने के अधिकृत नहीं है, आपका पर्चा निरस्त कर दिया जाएगा। तो जब आप चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत नहीं है और वोट देने के लिए कैसे आपने वोटर कार्ड बना दिए? देखिए सरकार जो इस टाइम लचर रवैया अपनाए हुए है, आपको याद होगा अभी पिछले दिनों मसूरी के शिफन कोर्ट में कई लोगों को बेघर कर दिया गया, वो एक महीने तक गुरुद्वारा और मंदिरों में शरण लिए पड़े रहे। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये आता है जब सरकारों के सामने वोटर आ जाता है, उसको लगता है कि अब ये सरकार चली जाएगी, अब हमें वोट की चोट पड़ेगी। यही मामला हुआ था जब माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी अतिक्रमण है सबको हटा दिया जाए, और यहाँ तक कि जितने नदियों के किनारे अतिक्रमण हुए हैं उनको भी हटा दिया जाए। लेकिन रातों रात भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई और रातों रात ये 3 साल के लिए अध्यादेश ले आए, उसके बाद ये 3 साल पूरे होने के बाद दोबारा से अध्यादेश ले आए, क्योंकि लाखों परिवार उजड़ने जा रहे थे और जब लाखों परिवारों का सवाल आता है तो सत्ता पलट जाती है। क्योंकि शिफन कोर्ट में कुछ लोग थे, यहाँ पर भी एक जिले का मामला है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को बहुत ज्यादा टेंशन लेने की इसमें जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी इतफाक रखते हैं आप। जी शाह जी जो बात कर रहे हैं मतलब अपना पिंड छुड़ा दिया, ये नहीं बोल रहे कि भैया इसी हल्द्वानी में हमारे एक बड़े नेता ने लंबे समय तक राज किया, वो ये नहीं बताएंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि उनकी नाक के नीचे जो है ये अवैध बस्ती बस्ती गई। देखिए तिलक जी, मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसका दोषी जनप्रतिनिधि होता है, जब वो वोट वोटर कार्ड बनवा रहा है, राशन कार्ड बनवा रहा है, केवल वोटों की वोट के लिए वो अतिक्रमण भी करवा रहा है। देहरादून के अंदर सैकड़ों ऐसी जगह है और सैकड़ों चारों ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर बल्क में अतिक्रमण हुआ है और वो केवल वोट की राजनीति है। अतिक्रमण है आज, अतिक्रमण कल भी मैंने जिक्र किया था। मधु मैडम, राजेंद्र शाह जी, आपने तो उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई को लड़ा है, तो जरा विधानसभा के पीछे का नजारा बता दीजिए या मैं बताऊं कहां अतिक्रमण नहीं हुआ। विधानसभा के पीछे रिस्पना नदी पे अतिक्रमण हुआ कि नहीं हुआ? देखिए तिलक जी, यही बात जो अभी ये तो 2001 से लेकर पहली अंतरिम सरकार से लेकर और वर्तमान में 2022 तक कांग्रेस के वहाँ पर नेता रहे, जिस प्रकार से अतिक्रमण कराने में इनका बहुत बड़ा एक, मैं कहूंगी बहुत ही बड़ा एक वोट की राजनीति जो करी है, भाजपा के नेताओं ने तो कब्जे करवाए हैं।
मधु जी रायपुर विधानसभा में आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जाके उस क्षेत्र का भ्रमण कीजिए कि लाखों की तादाद में रायपुर क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण हो चुके हैं। और अतिक्रमण ही नहीं, नदी के पास जो अतिक्रमण हुए हैं वहाँ पर सीवर लाइन तक भारतीय जनता पार्टी ने बिछा के दे रखी है। कार्रवाई की जाती है और अगर उसमें कोई देखा अभी जो ये प्रकरण सामने आया है, निश्चित रूप से देखिए कहाँ से बिजली पानी सड़क कैसे उनके लिए, क्योंकि अगर चाहिए था, अगर उनको सुविधा देनी थी तो घर बनवा के देते, जैसे आवास बनाकर देते, लेकिन इतने सालों तक कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ समस्याओं का ही एक समस्याएं बनाई इस देश को, समस्याओं का निपटारा करने के लिए राजेंद्र शाह जी मुझे एक बात बताइए, रात दिन लगी हुई है राजेंद्र शाह जी समाधान करने से लगी हुई। राजेंद्र शाह जी एक मिनट मधु जी, मधु जी लेकिन ये मामला जो है ये अभी कोर्ट में है, कोर्ट का निर्णय आएगा, उसके बाद इस पर हमारी सरकार देखेगी इससे क्या किया जा सकता है। क्योंकि देखिए वो भी अब जिस प्रकार से इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, इसमें जो आपस में जो हमारा भाईचारा है उसको एक जो हमारी भारतीय जो हमारी यहाँ उत्तराखंड की देवभूमि की संस्कृति है उसको विकृत करने का जो प्रयास कर रहे हैं ये उससे सफल नहीं होंगे। ये इनका केवल यही एक सिर्फ वोट की राजनीति ये करते हैं और आपस में ये जो इनका एक मिनट मधु मैडम मैंने इसी उत्तराखंड में कानून वोट के आधार पे बनते हुए देखे हैं। मैंने इसी उत्तराखंड में कानून वोट के आधार पे बनते हुए देखे हैं। मैंने वोट के आधार पे कानून बने हैं, पता कैसे? उदाहरण दूं मैं आपको, मैं वो गूगल सर्च करने वाला में से नहीं हूं, मैंने तो देखा, मैंने बताया, कल भी मैंने इसका उदाहरण दिया था। सितारगंज मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ने गए विजय बहुगुणा, किरण मंडल ने सीट खाली की थी, क्या हुआ था आप लोगों को तो मालूम है। एक हस्ताक्षर में बोला था कि सबको हैं, सिर्फ मुझे वोट दे दो, हुआ ना। तो मुझे एक बात बताइए राजेंद्र शाह जी, हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर पूरे देश में कोहराम मच गया, ठीक। आज हरीश रावत ने कहा कि मैं मौन व्रत रखता हूं, मैं धरना देता हूं, रखिए, बहुत अच्छी बात है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका हक है, करना चाहिए। लेकिन मुझे एक उत्तर दे दीजिए आप लोग, हमारे इसी उत्तराखंड में देवभूमि में पौराणिक शहर है जोशीमठ, क्या जोशीमठ जोशीमठ को बचाने को लेकर सब मौन है? 500 परिवार अंधेरे में है, कोई ट्रेंड नहीं करता। हल्द्वानी ट्रेंड करवा देंगे क्योंकि वहां हिंदू और मुसलमान है, करवाओ उसको, जरूरी है, लेकिन जोशीमठ को लेकर कोई नहीं बोलता कि जोशीमठ बचाओ। मैं धरने पर बैठता हूं, ये किसी ने बोला राजेंद्र शाह जी? देखिए तिलक जी, हमारे वहां पर जो है हमारे पूर्व मंत्री बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी जी, पता नहीं शायद आपको जानकारी नहीं मिल पाई होगी, वो लगातार क्षेत्र में है सर, सर वो वहां, सर उन्होंने उन क्षेत्रों का भ्रमण भी किया था। शाह जी मसला भंडारी जी का नहीं है। अब भंडारी जी के बारे में मुझे कितनी जानकारी है, फिर मैं 2007 से आ जाऊंगा फिर, ठीक है ना, निर्दलीय के रूप में कहां से कैसे चुनाव जीते वो मेरे पास सब इतिहास है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे, मुझे इतना बताइए जोशीमठ को लेकर ऐसा हो हल्ला क्यों नहीं है, क्यों आप लोग जोशीमठ को लेकर इतने गंभीर क्यों नहीं है? रखिए मौन व्रत, किसने रोका है? जोशीमठ के लेकर भी गंभीर है, हर उसके लिए गंभीर है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि देखिए अब अगर किसी कहीं अगर होता तात्कालिक मामला या होता 2001 का जब राज्य बना, 2000 में उसके बाद का मामला, तो मैं उसमें टिप्पणी भी करता, लेकिन तिलक जी ये मामला 50 साल पुराना है ना, अब 50 साल पुराना मामला है, क्या करना चाहिए मुझे बता दो शाह जी, आप बता दो क्या करे सरकार, कोर्ट कह रही है इनको हटाओ। नहीं देखिए कोर्ट, मैं कह तो रहा हूँ कि भाजपा को अगर ईमानदारी से भाजपा में जरा सी भी अगर संवेदनशीलता होती, इस तरह से 2013 में मलिन बस्तियों का मामला आया था, मैं थोड़ा सा तिलक जी आपको मैं अपनी जानकारी देना चाह रहा हूँ, आपको तो जानते हैं आप कि 2013 में जब मलिन बस्तियों का मामला आया तो 16 और 18 में इन्होंने क्या करा भाजपा के लोग, भाई तब भी हाई कोर्ट में चला गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो तब तो ये अध्यादेश लिया है क्योंकि तब ये था कि चुनाव जो है चुनाव का डर था, अब लग रहा है 24 बहुत दूर है, 27 बहुत दूर अब है। क्या करें बताइए ना शाह जी,
आप लोग बता दें करना क्या चाहिए इनको, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करनी चाहिए। विपिन खन्ना साहब बताइए ना क्या करे सरकार, कोर्ट कह रहा है कि कानून का पालन, देखिए कानून से बड़े तो ना आप है ना हम है ना, कानून ने कहा वो शर्मा थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उससे बढ़कर कोई नहीं है, आप बताइए क्या करे सरकार। वो देखिए खन्ना साहब जो 29 सरकार सरकार को हम वोट देकर इसलिए सत्ता तक पहुंचाते हैं किसी व्यक्ति को, विधायक को, मंत्री को, कि वो नागरिकों के हितों की रक्षा कर सके। यदि ये मामला 50 साल 60 साल या 100 साल पुराना भी है तो भी कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले तो सरकार को ये पैरवी करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि ये जितने भी 4 से 5 हजार घर हैं इनको इनके लिए बात करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर पैरवी करने में दिक्कत क्या कोर्ट में, सरकार पार्टी नहीं बनना चाह रही। तिलक जी मामला जो है रेलवे बोर्ड का है और अतिक्रमण का है, अतिक्रमण जो करवाया गया वो जो नेता हैं जो हैं वो आप जानते हैं कौन किस दल के हैं, कांग्रेस पर ने हमेशा से यही करा है और कांग्रेस के नेता है वो सारे ना मधुरी मेरे लिए यहाँ नपना बराबर रखता हूँ, मैं नपना बराबर रखता हूँ मधुरी, मधु जी मैं नपना बराबर रखता हूँ, मैं अपना बराबर रखता हूँ। ये मुझे मत बताइए कि खजानदास जी और राजकुमार जी में कोई अंतर है ना, मुझे ये मत बताइए कि बिंदाल और रिस्पना में कितना अंतर है, मुझे सब मालूम है ना, रायपुर में कितना है सब मालूम है, इसलिए कह रहा हूँ मैडम अपना सबके लिए बराबर रखिए, उतना हो जितना सब पचा पाए। अगर अतिक्रमण हुआ है तो अतिक्रमण अमीरों ने भी किया है, बुलडोजर जाना चाहिए तो उनके यहाँ भी जाना चाहिए। तिलक जी अभी जो ये मामला है, बात ये नहीं है कि मामला जो है ये कोर्ट में है, उसका अभी अभी फैसला आना है। ठीक है, ओके, आप इंतजार करिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए, लेकिन अतिक्रमण अतिक्रमण करवाने में ना आप पीछे हैं ना वो पीछे हैं, अतिक्रमण करवाने में कोई पीछे नहीं रहा, ये हकीकत है। अगर सबसे बड़ा गवाह है देहरादून हरिद्वार और यही उधम सिंह नगर, आप लोग उसके गवाह हैं। थैंक यू। यही एक बड़ा मुद्दा है, एक ऐसे मुद्दे पर सियासत और सियासत में हिंदू मुसलमान आखिरकार क्यों, और वो भी उत्तराखंड में, कभी लैंड जिहाद कभी धर्मांतर कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और अब इस मुद्दे को शाइन बाग से जोड़ दिया गया, कब तक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।